हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी एक्टिविटी चार्ट के बारे में। मल्टी एक्टिविटी चार्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब एक ऑपरेटर या फिर एक वर्कर टू और मोर देन टू मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उस समय हम मल्टी एक्टिविटी चार्ट यूज़ करते हैं। इसे हम मैन मशीन चार्ट भी बोल देते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? ये है, इसमें हम सबसे पहले कॉलम ड्रा करेंगे। एक वर्कर है, उसके लिए कॉलम, मान लीजिए टू मशीन है, उसके लिए टू कॉलम, वर्कर के लिए कॉलम, मशीन वन के लिए कॉलम, मशीन टू के लिए कॉलम। उसके बाद इस कॉलम को हम एक टाइम स्केल पर डिवाइड कर देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंबल बता देंगे, ये सिंबल है आइडल के लिए, ये सिंबल है वर्कर के लिए, वर्कर काम कर रहा है, ओके, ये सिंबल है मशीन काम कर रही है, ये वर्कर काम कर रहा है, ये मशीन काम कर रही है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए वर्कर ने टू मशीन को कंट्रोल करना है, दोनों है लेथ मशीन, दोनों है लेथ मशीन। सबसे पहले वर्कर क्या करेगा? वर्क पीस को काटेगा, वर्क पीस को काटेगा और दोनों मशीन के ऊपर फिट करेगा। वर्कर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वर्कर काम कर रहा है, यानी कि ये सिंबल हम यूज करेंगे, वर्कर काम कर रहा है, उसे टाइम लगा 5 मिनट, उसने टू वर्क पीस को काट दिया। उस समय जो मशीन थी आइडल थी, यानी कि मशीनें काम नहीं कर रही थी। उसके बाद वर्कर क्या कर रहा है? इन वर्क पीसेस को इस मशीन के ऊपर फिट कर रहा है, इस मशीन के ऊपर फिट कर रहा है, यानी कि वर्कर तो काम कर रहा है, इस मशीन के ऊपर फिट कर रहा है, यानी कि मशीन का सेटअप बोल सकते हैं, या फिर मशीन वर्क कर रही, या फिर यानी कि ये मशीन, यानी कि इसके लिए हम ये वाला सिंबल है, यानी कि इस मशीन की सेटिंग हो रही है या फिर वर्क हो रहा है, उसके लिए हमने ये सिंबल यूज किया। उस समय ये मशीन आइडल है। उसके बाद क्या कर रहा है वर्कर? सेकंड वर्क पीस को इस मशीन के ऊपर फिट कर रहा है, ये मशीन अभी काम कर रही है, वर्क पीस फिट कर दिया, मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है, वर्कर काम कर रहा है, ये मशीन काम कर रही है, क्योंकि वर्क पीस फिट हो चुका है, मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है। इस मशीन के ऊपर भी अभी सेटिंग हो रही है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद ये दोनों मशीनें काम कर रही हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं दोनों मशीनें काम कर रही हैं और वर्कर आइडल। इस तरह से आप आगे बना बता सकते हैं वर्कर क्या कर रहा है, किस समय वर्क पीस को रिमूव करेगा इस मशीन से, इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया। अभी आप बता सकते हैं वर्कर कितने समय आइडल रहा? 15 से लेकर 30 मिनट तक, यानी कि वर्कर आइडल टाइम बता सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिख देंगे वर्कर आइडल टाइम कितना था, 15 मिनट, इतना टाइम आइडल रहा 15 मिनट। उसके बाद मशीन वन आइडल टाइम, या फिर आप बता सकते हैं मशीन वन वर्किंग टाइम आइडल टाइम कितना है, 5 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट, मशीन टू आइडल टाइम 10 मिनट। इस तरह से हम मल्टी एक्टिविटी और मशीन मैन मशीन चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद गैंट चार्ट क्या होता है? मल्टी एक्टिविटी चार्ट का मतलब है एक वर्कर टू और मोर देन टू मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जब वर्कर मोर देन वन हो, उस समय हम जो चार्ट ड्रा करते हैं उसे हम बोलते हैं गैंग प्रोसेस चार्ट। ओके, अगर आपको ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।